हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हितल शर्मा पे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद आश्रम। स्वामी विवेकानंद आश्रम जो कि चंपावत ज़िले में पड़ता है। विवेकानंद आश्रम झील जो है श्यामलाताल झील से थोड़ा सा ऊपर की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। यह आश्रम पिथौरागढ़ जाने वाली रोड पर पड़ता है, जो कि सुखीढांक जाने वाली रोड पर है। यह लगभग टनकपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। और इस आश्रम की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1913 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इस आश्रम की स्थापना की गई थी। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की ध्यान स्थली के रूप में वर्तमान समय में आश्रम स्थापित किया गया है। ये देखिए, ये जो आश्रम है ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये गेट है, यहाँ से अंदर जो है ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे पूरा आश्रम बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से लोग इस आश्रम को देखने के लिए पर्यटक आते ही रहते हैं। श्यामला ताल से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पर ही आश्रम है। श्यामला ताल पर्यटक स्थल तो है ही, साथ में बहुत यहाँ पे हरियाली भी बहुत है। आश्रम में यहाँ लोगों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है। ये देखिए, स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ पे है ही, जहाँ पे लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। और साथ ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जैसी अनेक सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे दूर दूर से लोग अपना निःशुल्क इलाज कराने के लिए भी आते हैं।